लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। चमक गरज के साथ में लगातार बारिश, आज बिजली, चमक गरज की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमे, मौसम विभाग का अलर्ट है। असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचे जिलेवासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। बारिश में अपने घरों से ना निकले, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भारी बारिश होने से यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति है। भारी जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है। आवाजाही इस समय पूरी तरीके से बाधित है। लखनऊ के कई इलाकों में बारिश से जलभराव हुआ है, जलभराव की स्थिति है और इससे परेशानियां और बढ़ती चली जा रही है। बिजली की समस्या चरमराई हुई है, कई जगह पर जलभराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ के कई इलाकों में इस समय जलभराव है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और आवाजाही बाधित। चमक गरज के साथ हुई लगातार बारिश, आज बिजली, चमक गरज की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का अलर्ट। बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमे, मौसम विभाग का अलर्ट है। असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचे जिलेवासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। जितना हो सके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बारिश में अपने घरों से बाहर ना निकले। भारी बारिश होने से यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। छात्रों को इस समय स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जलभराव की स्थिति है, समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई जिलों में बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमे, इस तरह की सलाह मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले एक से दो दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस समय हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से समय जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं और विवेक राजौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। अलग अलग संवाददाता जो कि अलग अलग राज्यों का हाल, अलग अलग जिलों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। अनिकेत, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि लखनऊ के समय कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। देखिए काजल, अगर बात की जाए लखनऊ की तो देर रात से ही बारिश हुए वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर रफ्तार की बात की जाए बारिश की तो देर रात तेज पानी देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो आसपास के जो कुछ इलाके हैं वहां पर जो जलभराव जैसी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम से और पंपिंग सेट के माध्यम से जो इलाकों में जो पानी भरा हुआ है गाजल, उस पानी को निकासी देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें गोमती नगर की अगर बात की जाए गाजल, तो गोमती नगर में भी जल स्तर देखा जा रहा है कि अभी और कितना पानी जो शहर में भर गया है उसको गोमती में हम ड्रेनेज के माध्यम से डाल सकते हैं वापस। तो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जलभराव की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाई जा सके। इसके साथ साथ जो भारी बारिश का जो अलर्ट है उसको लेकर जो विद्यालय है उनको भी आज के दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। लगातार अगर बात की जाए काजल, मंडलायुक्त रोशन जैकब जो है वो लगातार निरीक्षण कर रही है सुबह से ही। इसके साथ साथ जो नगर आयुक्त है यहाँ पर जो वो भी लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इलाके हैं जहाँ पर भी जलभराव की समस्या है वहां पर ड्रेनेज पंपिंग सेट के माध्यम से वहां का जो पानी है उसे बाहर निकाला जा सके। इसके साथ साथ जो शहरवासी हैं उनसे भी काजल अपील की गई है कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप घरों से ना निकले। इसके साथ साथ लोगों से यह भी अपील की जा रही है पेड़ों की छांव के नीचे लोग ना खड़े हो और इसके साथ साथ जो जर्जर जो भवन है वहां पर भी ना लोग एकत्रित हो, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो कुछ जर्जर मकान है वो क्षतिग्रस्त है और वो किसी भी समय गिर भी सकते हैं और यही स्थिति अब पेड़ों के साथ बनी हुई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है लगातार। राजन बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। राम अवतार, आजमगढ़ का हाल बताइए, कैसा है इस समय, कैसा मौसम है? देखिए काजल, सावन के महीने में तो बारिश नहीं हुई लेकिन भादों के महीने में बारिश जम करके हो रही है और रात में बारिश हो रही है तो फिर दिन में खुला आसमान है और बादल पूरी तरह से छाए हैं और बारिश को लेकर के अब पूरी तरह से अलर्ट भी 13 तारीख तक लगभग जारी है कि बारिश हो सकती है, भीषण बारिश भी हो सकती है। उसके लिए लोगों को हिदायत भी दे दी गई है कि आप
पेड़ के नीचे न रहें और कच्चे मकानों में न रहें और इस तरह का है। लेकिन फिलहाल इस समय अगर हम जहाँ खड़े हैं, आप पूरी देख सकते हैं कि यहाँ का मानसून जो है लगभग लगभग साफ है और बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं और बारिश रात में भी हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है काजल जी। लेकिन कुल मिला जुला करके ये कहना जरूरी है कि क्या नाम मौसम जो है ये बारिश का जो है उतरने के समय में यानी सितंबर में या 15 तारीख तक माना जाता है काजल जी कि अब मौसम समाप्त हो जाता है, इसके बाद बारिश नहीं होती है। लेकिन अंतिम सब अपने पड़ाव में मौसम काफी बारिश देने के साथ साथ लोगों को काफी नुकसान भी बारिश से होगा। फिलहाल काजल जी अभी तो बारिश फिलहाल बंद है जी। काजल जी बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक राजौरिया झांसी से बने हुए हैं। विवेक बताइए मौसम का हाल कैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और कई दिनों से बारिश हो रही है, जल भराव भी है। बिल्कुल काजल, झांसी की बात करें तो झांसी से पिछले 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया था, लगातार बारिश हो रही है, सड़कों पर जल भराव है, लोगों को निकलने में आवाजाही का जो रास्ता है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है कि नगर झांसी स्मार्ट सिटी बनी है, लेकिन चलती बारिश की जो बारिश से पानी भर जाता है वहां देखने को मिलता है, तो ये दावे जो बड़े बड़े है वो फेल होते नजर आ रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि बारिश का जो अलर्ट है वो जारी है, जिसके चलते पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले लिप्टिन लिप्टिन बारिश जो है वो शुरू हो चुकी थी। आप पीछे देख सकते हैं जो बादल है वो छाए हुए हैं और 12 बजे का अनुमान लगाया जा रहा है, 12 बजे से जो बारिश है वो फिर फेल होगी। तो लगातार जो बारिश है वो बढ़ रही है, 9 तारीख से 11 तारीख तक का कई जिलों में उत्तर प्रदेश में जो अपडेट था वो बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर लगातार शासन जो है वो भी मुस्तैद है, जगह जगह पर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और पहाड़ी निचली जो इलाके है, नदी से लगे हुए जो निचले इलाके है वहां पर ग्राम प्रधान और निगरानी समिति को तैनात भी किया गया है। ठीक बिल्कुल अनिकेत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे क्योंकि डीएम की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं लखनऊ में, कई स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश जल भराव की वजह से ही। देखिए काजल, अगर बात की जाए जिला अधिकारी की तो सूरपाल गंगवार ने साफ तौर पर देखा कि जिस तरह से कल देर रात से चमक के साथ जो बारिश हो रही थी तो जो इलाके हैं वहां पर तो जलभराव समस्या देखने को मिली, इसके साथ जो तमाम जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी जो पानी है वो भर चुका है और ऐसे में जो विद्यार्थी है उन्हें जाने में काफी परेशानी होगी। और यही कारण है कि एहतियात बरतते हुए जिलाधिकारी सूरपाल गंगवाल ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी किया कि जो भी स्कूल है 1 से लेकर 12 तक तो सभी स्कूल आज बंद रहेंगे, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। बात की जाए अगर रोशन जैकब की, जो मंडलायुक्त है काजल, यहाँ पर वो लगातार निरीक्षण कर रही है, देर रात में भी वो निरीक्षण करने निकली थी और जहां भी जल भराव देखी इसकी उन्होंने देखी है तो वहां पर साफ तौर पर नगर निगम को निर्देश दिया और जो नगर आयुक्त है यहाँ पर वो भी मौके पर पहुंचे थे और ड्रेनेज पंपिंग सेट के माध्यम से जो स्थिति है जल भराव जैसी जहां भी बनी हुई है वहां पर पानी को निकाला जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए अभी वर्तमान की तो बारिश हल्की हल्की देखने को मिल रही है, लेकिन अलर्ट जो है वो लगातार जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी जो सूरपाल गंगवार है उन्होंने ये निर्देश दिया कि जो भी विद्यालय है वो बंद रखे जाएंगे। इसके साथ साथ शहर की जो जनता है उससे भी अपील लगातार की जा रही जिला प्रशासन की तरफ से कि अगर आपको आवश्यक नहीं है तो घरों से ना निकले, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है और तेज बारिश भी हो रही है, ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो और शहरवासी सुरक्षित रह पाए तो उसको लेकर एहतियात बरतते हुए लगातार एडवाइजरी और अपील की जा रही है। अनिकेत, एक और सवाल आपसे होगा क्योंकि जो सड़कों पर रोजाना रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो रोजाना दुकान लगाते हैं, जो रोजाना कमाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां उनको हो रही, क्योंकि हम तस्वीरों में भी हमें देख रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल साफ तौर पर अगर बात की जाए फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं तो उनके लिए ऐसा बदलता मौसम कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान भी देता है और उनके लिए एक मार के रूप में देखने को मिलता है। और हम देख रहे हैं कि जो फुटपाथ पर रेहड़ी दुकानदार जो दुकान लगाने वाले हैं वो अब उनकी स्थिति बड़ी भयावह हो गई है और यही कारण उनको सुरक्षित स्थान पर जाने की उनको आवश्यकता है और वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनको उनसे लगातार अपील की जा रही है, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जो प्रयास है वो जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है काजल। हालांकि उनके लिए खासा परेशानी जरूर है और शहरवासियों से लगातार काजल अपील की जा रही है कि वो सहयोग करें, तभी निजात मिल पाएगी इन समस्याओं से काजल। बिल्कुल राम अवतार, आपका रुख करूंगी इस समय बारिश को लेकर, हो सकता आने वाले समय बारिश हो, किसानों के क्या रिएक्शन है और बाकी लोगों के?
बिल्कुल काजल जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि बारिश के चलते भी इधर जब सावन का महीना था तो उसमें बारिश नहीं हुई, तो लगभग लगभग सूखी की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन इन दिनों अब बारिश हो रही है भादों के महीने में। तो इसको लेकर के जहाँ नगर पंचायत और नगर पालिका सहित सभी जगह पे जल भराव की जो स्थिति काजल जी पैदा हो जाती है, जिसके आपने भी एक अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो सड़कों पे दुकान लगाते हैं इनको भी परेशानियां होती है, तो निश्चित काजल जी आपको बता देना चाहता हूँ कि परेशानियां तो लोगों को होती है, लेकिन फिलहाल बारिश भी लोगों को जरूरी है, लेकिन बारिश भी कभी कभी आफत बनकर जब बरसने लगती है तो लोगों को परेशानियां होने लगती है काजल जी। और बता दें आपको कि किसानों से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो लोगों की अब धान की फसलें जो है वो लगभग लगभग बारिश होने के चलते काफी उनको राहत मिली है, संजीवनी का काम बारिश ने किया है, लेकिन अधिक कोई भी चीज होती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान साबित करती है, तो कहीं बारिश ज्यादा ना हो बस लोग यही मना रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो हालात है वो बारिश के वो लगभग लगभग अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन बारिश जब हो जाती है जम करके तो आजमगढ़ नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पे भी सीवर जाम हो जाते हैं और सड़कों पे जल जमा हो जाता है, चाहे नगर पालिका मुबारकपुर जहानागंज हो या जो भी नगर पंचायत या नगर पालिका होंगी, उन्हें परेशानियां का सामना करना पड़ता है, जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। जी काजल जी, बिल्कुल विवेक, आपसे भी मेरा सवाल होगा, किसानों की प्रतिक्रियाएं इस समय क्या सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर? बिल्कुल काजल, अगर हम झांसी के किसानों की बात करें तो देखिए जिस तरह मूंगफली उर्द की जो फसल है उसको ये कहीं ना कहीं बारिश लाभदायक नजर आ रही है, धान के लिए लाभदायक नजर आ रही है, लेकिन यदि कुछ फसलें ऐसी है जैसे मूंग की बात करें तो मूंग के लिए ये हानिकारक बारिश है, तो किसान कुछ किसान ऐसे है जिनके लिए बारिश तो लाभदायक है, लेकिन यदि ये बारिश और ज्यादा बढ़ती है तो किसानों के लिए बड़ी ही हानिकारक होगी। तो अभी तो फिलहाल किसान के जो चेहरे हैं वो खुशी के मारे खिले हुए हैं, लगातार जिस तरह किसानों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है कि बारिश के चलते अभी तो जो फसलें उसकी जो बुवाई के लिए लगी हुई है वो उसके लिए लाभदायक साबित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका, निकेत आपका भी शुक्रिया, राम अवतार आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो समय बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में, अगर लखनऊ की बात करें तो सड़कें पूरी तरीके से बाधित हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि कई जगह स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है पानी की वजह से, जल भराव की वजह से।